हाय गाइस, मैं कल्पना महेश्वरी अपने चैनल महेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसका वे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो है मूली के पराठे, लेकिन हम इसे किस तरीके से बनाएंगे जो खाने में टेस्टी हो, साथ ही बहुत हेल्दी भी हो। रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ नए तरीके से मूली के पराठे बनाने के लिए फ्रेंड्स ये लिए हैं मूलियाँ। इसके साथ ही पत्तों की भी ज़रूरत होगी, तो जो आप मूलियाँ लें उसके पत्ते एकदम हरे हरे होने चाहिए, साथ ही एकदम कच्चे हों। तो बस मूलियों से मैंने पत्तों को सेपरेट कर लिया और आप देख सकते हैं जो मैंने मूली के पत्ते लिए हैं वो एकदम हरे हैं और साथ ही काफ़ी कच्चे कच्चे से हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, मूलियों को बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लें। और ये मूलियाँ मैंने वॉश कर ली हैं, तो इसे अभी साइड से किया। उसके बाद बारी है मूली के पत्तों को कट करने की, तो आप एक चाकू ले लीजिए और इस तरीके से पत्तों को कट कर लीजिए। तो इसके लिए आपको पत्तों के साथ इसके जो डंठल होते हैं ना उन्हें भी कट कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि कच्चे और हरे हो। तो ये लीजिए, आपके पत्ते भी कट करके तैयार हो गए हैं। और अब बारी है इन्हें बिल्कुल अच्छे से वॉश करने की, तो मैं इसे एक बड़े से भगोने के अंदर कर लेती हूँ और उसमें डाल देते हैं हम भर भर के पानी। तो उसके बाद मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और स्ट्रेनर में हम इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे ड्रेन आउट कर देंगे। तो मैंने इसे दो बार अच्छे से वॉश कर लिया है, मिट्टी वगैरह सब हट गई है। तो अब जो हमारी मूलियाँ थी अब उसे अच्छे से छील लेते हैं। मूलियों को भी आप दो तीन पानी से अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इस पर भी काफ़ी सारी गंदगी होती है। और ये लीजिए, मूली भी छिलकर तैयार हो गई हैं। अब मैंने ले लिया है एक ग्रेटर और आपको जो मूलियाँ ग्रेट करनी है वो बारीक वाली साइड से करनी है। ये पराठे फ्रेंड्स कुछ अलग तरीके से बनेंगे, तो आपको जो टेस्ट मिलेगा ना ये काफ़ी अलग मिलेगा। एकदम बारीक बारीक मूली ग्रेट होकर तैयार हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी है, तो पानी को अलग करने के लिए आप ले लीजिए कोई भी मिक्सिंग बाउल और उसमें रखिए एक साफ सूती कपड़ा जिसमें हम ये मूली डाल देंगे। फ्रेंड्स अगर इस तरीके से बिना पानी निकाले हम मूली के पराठे बनाएंगे तो उतने बढ़िया नहीं बनेंगे, लेकिन आपको पानी को फेंकना नहीं है। पानी का भी हम इस्तेमाल करेंगे, पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे, पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी मैंने कहा ना टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी बनेंगे। पानी को करते हैं अभी एक साइड से, इसकी बाद में ज़रूरत होगी। और ये जो हमने मूली कद्दूकस करके रखी थी इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून जितना सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसमें भुना हुआ बेसन डाल सकते हैं, यानी बेसन लीजिए हल्का सा गरम भर कीजिए और इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद मूली के पराठे बनाने हैं फ्रेंड्स, अजवाइन ज़रूर डालेंगे, पेट के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और मूली के साथ अजवाइन का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ले ली एक हरी मिर्च जिसे एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया और ये गया 1/2 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें। और ये उसके बाद डाला थोड़ा सा गरम मसाला, एकदम लिमिटेड मसालों के साथ बनेंगे जिससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करेंगे। एक बार फ्रेंड्स इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और ये गया हरा धनिया, स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है और फ्रेंड्स आप इसका टेस्ट इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार है। उसके बाद मैंने लिया है 1.5 कप जितना नॉर्मल गेहूं का आटा, इसमें आपको मैदा सूजी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा लीजिए। उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल, भरमा पराठों में कुकिंग ऑयल डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, काफ़ी खस्ता से बनकर तैयार होते हैं। और हमने ये जो पत्ते लिए थे मैंने इसे चॉपर में डाल दिया है और चॉपर को हल्का सा चॉप किया और ये पत्ते हल्के हल्के से चॉप हो गए हैं, तभी मैंने कहा थोड़ा सा बारीक कटेंगे तो काम आसान हो जाएगा। उसके बाद ये पत्ते हम आटे में डाल देंगे। अब हमने पत्तों को चॉप किया था और मूली के पत्ते हैं फ्रेंड्स काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करते हैं, तो बस आपको इसमें बिल्कुल थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी और हमने वो जो मूली का पानी रोका था ना बस उसका इस्तेमाल भर करेंगे, आपका आटा लगकर तैयार हो जाएगा। अगर पत्ते किसी कारण से ज़्यादा सूखे हैं या पानी थोड़ा सा कम है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल जैसे नॉर्मली भरमा पराठों के लिए डो लगाते हैं वैसा आपको डो लगाना है, यानी कि सेमी सॉफ्ट आप डो लगाकर तैयार कीजिए। और ये लीजिए डो लगकर तैयार है, हाथों को हल्का सा चिकना किया डो के ऊपर लगा देंगे जिससे डो सूखेगा नहीं और पराठे और भी लचीले और बढ़िया बनकर तैयार होंगे। 10 मिनट डो को रेस्ट दिया, डो बढ़िया सा रेस्ट कर चुका है। उसके बाद एक बार अच्छे से बस मसल भर लीजिए
और ये लीजिए हमारी स्टफिंग भी तैयार है और एकदम अलग तरीके से लगा हुआ है। डो भी तैयार है, स्टफिंग भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी और खिली खिली सी है। उसके बाद जैसे हम नॉर्मली भरवा पराठे बनाते हैं या जितने भी बड़े आपको पराठे पसंद हो, भरवा पराठे पर थोड़े से मोटे और थोड़े से आप बड़े बनाइए ना तो ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। उसके बाद उस तरीके से एक कटोरी की शेप दे लेंगे, फिंगर और थंब के बीच में आप इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं और इस तरीके से एक कटोरी की शेप दे लें। साइडों को थोड़ा सा पतला रखें और बीच रखिए आप थोड़ा सा मोटा। उसके बाद जितने हमने पेड़ा लिया था यानी कि डो का पेड़ा लिया था बिल्कुल उतनी ही ली स्टफिंग और इस तरीके से आप इसको बिल्कुल अच्छे से सिक्योर कर लें। एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है, हल्का सा आप थपक लीजिए जिससे स्टफिंग चारों तरफ अच्छे से हो जाएगी और पराठा ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जब स्टफिंग चारों तरफ हो जाती है फ्रेंड्स पराठा फूलता भी अच्छा है, जब फूलता अच्छा है तो देखने में भी अच्छा लगता है और सिकता भी अच्छा है। उसके बाद ले लिया बेलन और बेलन के साथ हम पराठे को बेलकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए हमारा पराठा बेलकर तैयार हो गया है, नॉर्मल भरवा पराठे जितनी मैंने इसकी थिकनेस रखी है। तवे को कर लिया गरम और उसके बाद एक और पराठा बना लेते हैं, जितने वो पराठा एक साइड से सिकेगा हमारा दूसरा पराठा भी बिलकर तैयार हो जाएगा। और ये लीजिए एक और पराठा बनकर तैयार हो गया है और इधर हमने ये जो पराठा रखा था ये एक तरफ से हल्का सा सिक चुका है, टर्न कर दिया। और जब पराठा दूसरी तरफ से भी सिक जाएगा तब हम करेंगे इसकी ऑयलिंग। पराठे हैं और वो भी भरवा पराठे हैं तो सिकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे, तो बस थोड़ा सा ज़्यादा समय देके अच्छे से प्रेस करते हुए आप पराठों को सेकें। भरवा पराठे तभी बढ़िया सिकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप भरवा पराठों को बनाने की गलती ना करें। और ये देखिए क्या मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। एक पराठे को बनाने में आपको 2 से 2.5 मिनट का समय तो पक्का ही लग जाएगा। तो चलिए एक और सेक लेते हैं। पराठा रखा, टर्न कर दिया, अच्छे से कर दी इसकी ऑयलिंग और ये लीजिए हमारा एक और पराठा सिककर तैयार हो गया है। तो आप इनके रंग से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ्रेंड्स ये जो पराठे बने हैं ना कितने ज़्यादा टेस्टी हैं। इसे सर्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आम का अचार हो या सिर्फ हरे धनिया की चटनी हो, दही हो, दही में आप थोड़ा सा चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं, चीनी या बूरा डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करते हैं। और आपको प्लेन दही पसंद है तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है लेकिन फ्रेंड्स इनका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। आप लोगों को रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे भी बताएं रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से बने हुए मूली के पराठे बनकर तैयार है, पत्तों का यूज किया है इसलिए और भी ज्यादा हेल्दी हो गए। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फ्रेंड में शेयर करें, चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।